अभी काली होके सूख के जड़ के गिर जाएगी, एक दो दिन में ये गिर भी जाएगी। वेलकम टू द जेनकिंग बडिनर्स में सारे भाइयों, काफी वक्त के बाद आपके लिए कोई वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे भाई आप सभी जानते हो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में फंस रखा था और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करनी है, उसमें भी ऊपर दरबे का काम शुरू है वो भी, और आप मेरे भाइयों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली चीज जिससे बीमारियां दूर भागती है, जिससे आपके कबूतर फिट रहेंगे, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ और बहुत ही रिजनेबल रेट में। कोई उसका 700-800 रुपए रेट नहीं है, इससे भी आधा रेट रहेगा, उसमें भी डिलीवरी चार्जेस फ्री रहेंगे, है ना। दो दो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ भाई, तो उसमें लग रखा हूँ, और थोड़ा सा दरबे रुपए का काम भी था उसमें भी लग रखा हूँ। मेरे बहुत सारे भाइयों के कॉल आ रहे थे मुझे, ठीक है, कि जैन बाबा यार बच्चों को दाने आ जा रहे, पिंपल्स आ जा रहे, कुंसिया बोलते जिन्हें वो आ जा रहे, कबूतर उसमें जाया होके मर जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपन करेंगे भाई, ये आते क्यों है और इसको भगाना कैसे, इसका इलाज क्या है, ठीक है। ये इलाज आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पर क्या कोई आपके आसपास भी रहे ना तो कोई नहीं बताएगा, लेबल निकाल कर चीज दे देंगे ये लो, क्योंकि कपटी दिलों के उस्ताद कभी नहीं चाहते कि उससे आगे कोई बंदा आगे चले जाए, और असल में उस्ताद वो ही रहता है जो सोचे कि मेरे मरने के बाद जो मेरा शागिर्द है ना वो उस्ताद बने, उसको इतना न इतना सिखाऊ, वो वफादार रहे, उसकी वफादारी अपन अगर अच्छे है ना तो हर कोई अपने से वफादार रहेगा, अगर अपन खराब है ना तो बंदा वफादारी नहीं दिखाएगा उसकी, ठीक है। तो भाई अगर अच्छे बनो तो हर कोई इंसान आपसे वफादार रहेगा, बुरे बनोगे तो हर कोई आपको छोड़ के जाएगा। तो चलो पिंपल्स की बात चल रही थी, पिंपल्स बता दे तो मैं आते क्यों है। अभी बारिश के मौसम में ना, बारिश के मौसम में मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते, मच्छर है ना बहुत ज्यादा हो जाते, और कबूतर के बच्चों को, बड़े कबूतर को पिंपल्स नहीं आएंगे कभी, बच्चों को इसके लिए आते हैं, उनकी स्किन होती है मुलायम पतली, ठीक है, नाजुक, क्योंकि नई नई बनी हुई रहती है स्किन, हड्डी जो भी है सारी चीजें नए नए रहते, मच्छर काटता है, खून चूसता है, वो पिंपल्स की शक्ल में तब्दील हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जहां पूरा मच्छर काटेगा पूरा 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 बच्चे का चेहरा मोरा सब भर जाएगा, दुम पे जो उसका संडास का रास्ता है वहां पूरा भर जाएगा, पूरी चीजें भर जाती है, पंजे वंजे उसमें कबूतर हो जाता है जाया, ठीक है। मेरे बहुत सारे भाइयों के कॉल आए, यार जैन बाबा बता दो क्या चीज है क्या नहीं, मैं बोला यार सबको ही बता दूंगा बेफिक्र रहो, थोड़ा सा काम में अटक रखा था इसके लिए, ज्यादा बंदों से किसी से बात भी नहीं हो पाई और अपडेट भी नहीं हो दूसरे वाले फोन से, तो व्हाट्सएप भी खोलने को एक दो दिन हो गए शायद। तो भाई चलो मैं आपको बताते चलता हूँ, एक ट्यूब आएगा है ना, एक ट्यूब आएगा बर्नकूल, ठीक है, सिल्वर सल्पेंडाजाइम बर्नकूल, ये ट्यूब आएगा, आप देख लो ट्यूब अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाइयों, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है, देख लो ये ट्यूब, ये 100-120 रुपए का आपको मेडिकल में मिलेगा, लेकिन अगर जैन बाबा से आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में मंगाते भाई ये चीज तो आपको सिर्फ 80 रुपए में मिलेगा, ठीक है। आप बोलेंगे तो ये भी मैं करवा दूंगा आपके लिए अवेलेबल, देख लो ये ट्यूब है ना, इसको आपको सिर्फ 2 दिन लगाने हैं, जहां जहां पे पिंपल्स है वहां वहां पे लगाने हैं आपको सिर्फ 2 दिन, और इंशाल्लाह ताला फर्क देखोगे आपके कबूतरों में, आप खुद बोलेंगे यार जैन बाबा आपने हकीकत में सही बात बताई, कबूतर को लगाते ही तुरंत फर्क हो गया, 2 दिन में हमारे बच्चे की फुंसी काली होकर सूख के गिर गई, मेरे भाई ने बताया छोटे वाले ने, जो कि मुझसे अच्छा कबूतर पास है ना, ऐसे नहीं भाई माशाल्लाह मेरे पास ही सीखा है और अल्लाह बेहतर जानते है, मैं तो चाहता हूँ मेरे भाई की मुझसे भी ज्यादा तरक्की है ना, अल्लाह उसे और तरक्की दे, जो भी है एक बात बता दू, जो सीखा हुआ बंदा रहता ना वो जाने दो, छोड़ो इन बातों को, कहां पे और कंट्रोवर्सी हो जाएंगी, चलो मैं बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। उसने बताया जैन भाई के बच्चों को फुंसी आ गई 2 कूफ, ठीक है, मैं बोला यार देखे ऐसे ना ऐसा टूप है ये मंगवा, ये मैं लेके आता हूँ, ये बच्चों को लगा, तो भाई ये देखो इस बच्चे पे अप्लाई किया है ना, काली हो गई पुंसिया बिल्कुल भी, देखो काली हो गई पुंसिया, अभी काली होके सूख के जड़ के गिर जाएंगी, एक दो दिन में ये गिर भी जाएंगी, छल्ला डल रखा है इसको जेन किंग पिजन का, घर का ही बच्चा है, बाहर के बच्चों की वीडियो नहीं बता रहा हूँ।
ये देखो सूख के गिर जाएंगी। अब इसमें नुकसान क्या होता है पता है क्या भाई, जब बच्चे को फुंसी आती है ना, सीप सीप में आता है, और मेरा बहुत ही बेहतरीन कबूतर का बच्चा ही है, ये देखो चेक करो क्वालिटी, ये सीप में आके जाया हो जाता था अगर इसकी फुंसियों का इलाज नहीं होता था तो। एक ये बच्चा है ठीक है, उड़ने में वीकनेस आ गई बच्चे के, और ये दूसरा बच्चा, ये देखो इसकी फुंसी है ना, ये देखो काली दिख रही है आपको, ये देखो जली हुई दिख रही है, इस पैर पे तो नहीं है, ये देखो काली होके सूख के ना, ये सूख के इंशाल्लाह जड़के गिर जाएंगी ये ठीक है। आप ये चीजें आपके परिंदे पे यूज करो, ये वाला ट्यूब इंशाल्लाह ताला देखना आपको फर्क महसूस आएगा। देखो ये भी सीप में आ गया थोड़ा, ये तो हो जाएंगे रिकवर, अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने इतना हुनर दिया है कि हो जाता है। ये आप चीज यूज करो, आपके आसपास के कोई भी मेडिकल पे मिल जाएंगे बर्नकूल करके, आपके कबूतर भी यूज करो, कबूतर सारे फिट फाट हो जाएंगे, बच्चा भी फिट फाट हो जाएगा जो बीमारी में आने वाला है, वो फिट फाट हो जाएगा ठीक है। तो भाई माफी चाहता हूँ लेट वीडियो आई, अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो आएंगे क्योंकि काम से फ्री हो चुका हूँ, बस प्रिंटिंग बाकी है प्रोडक्ट की, तो वो भी हो जाएंगे एक दो दिन में, प्रोडक्ट आना है वो भी हो जाएगा, तो वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे और प्रोडक्ट भी आ जाएगा अपने ना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई खुदा हाफिज, जैनकिंग की फिजन में बने रहिए, और मेरे भाइयों आपके प्यार से आपकी मोहब्बत से ही यार मुझे बहुत खुशी होती है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो आपकी मोहब्बत है ना वो मेरे लिए काफी है। मैं कोई पैसों का किसी की इसका भूखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मोहब्बत का भूखा हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करो, पैसा तो मेरा अल्लाह मुझे इतना देता है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं ठीक है, शुक्र है मेरे रब का। आप सिर्फ मेरे साथ मोहब्बत से रहो, सारी चीजें आप तक के प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।